बरसात के मौसम में चाय और पकोड़े की बात ही अलग होती है, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी मिक्स वेज पकोड़ा की रेसिपी, जिसे बनाना तो आसान है ही, स्वाद में बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स वेज पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पालक लिया है। पालक को अच्छे से धो के कट कर लें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इन्हें मैंने लंबाई में काटा है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। तो जितना आप प्याज इस्तेमाल करें, सेम क्वांटिटी में आप आलू लें। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला, 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे बेसन। तो ये मैंने 3/4 कप बेसन डाला है। गरम तेल ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच गरम तेल डाला है, इससे पकौड़े जो है क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करते वक्त आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमने इसमें प्याज और पालक डाला है, उसमें पानी रहता है, तो उससे मिक्स होके ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन यदि ये नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी मिक्सर में छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पर पकौड़े के लिए हमारा मिक्सर बन के तैयार है। चलते हैं अब इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो पकौड़ों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से तेल गरम करके रखा है। इसे ऐसे मिक्स करके स्पून से थोड़ा सा मिक्सर लेके गरम तेल में डाल देंगे। आप हथेली से या फिर चम्मच से ऐसे थोड़ा सा मिक्सर लेके गरम तेल में डाल दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर ऐसे घुमाते हुए या फिर पकौड़ों को पलट पलट के तब तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। पकौड़ों को तलते वक्त गैस का फ्लेम हाई नहीं रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जो पकौड़े की ऊपर की लेयर है फटाक से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो पकौड़ों को तलते वक्त आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर इसे आराम से फ्राई होने दें। पकौड़ों को तलने के लिए यदि आप बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा तेल में आप एक साथ सारे पकौड़े तल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पकौड़ों का एक बैच अच्छे से फ्राई हो गया है। सेम इसी तरीके से हम मिक्सर से बाकी के पकौड़े फ्राई करके तैयार करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। तो केवल आलू या फिर केवल प्याज के पकौड़े तो हमने कई बार खाए हैं, आप एक बार इस तरीके से प्याज, आलू और पालक को मिक्स करके पकौड़े बना के देखें, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो ये हमारा पकौड़ों का एक बैच बनके तैयार है। ये जो बाकी का मिक्सर है उसके भी पकौड़े बना लेते हैं। तो हथेली से या फिर स्पून से ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेके गर्म तेल में डाल दें। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर इन्हें तल लें। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार और सुपर टेस्टी मिक्स वेज पकोड़े बनके तैयार है। आप इसे तीखी हरी चटनी के साथ सर्व करें या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ। बरसात के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकोड़े, इसकी बात ही अलग होती है। तो आप इस मिक्स वेज पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जिसे बनाना तो आसान है ही, स्वाद में तो बहुत ही मज़ेदार, सुपर टेस्टी और अमेजिंग। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इन पकोड़ों को तीखी हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करें या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ, बहुत ही अमेजिंग लगेगी। यदि आपको आज की ये मिक्स वेज पकोड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन्स मिलें।